अगर स्पाइडरमैन और क्रिस की फाइट हो जाए ना तो स्पाइडरमैन ही जीतेगा। अरे नहीं यार, क्रिस जीतेगा। नहीं यार, क्रिस से ज्यादा। ये दो हाथों से मैंने उसको इतना मारा कि वो रोने लग गया। क्या तुमने आज का होमवर्क किया? चुप हो जाओ, लगता है चुड़ैल आ रही है। अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो हमारी वाट लग जाएगी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड। जब क्लास में टीचर ना हो तो ऐसे ही बुक निकाल के पढ़ते रहना चाहिए। वेरी गुड। सिट डाउन। थैंक यू मैडम। ये आवाज किसने की? एडम सुन, एडम, अगर तूने बता दिया मैडम को कि मैंने तेरे पिछवाड़े पे पेन घुसाया है तो याद रख, तो मुझे सिर्फ पनिशमेंट मिलेगा पर तेरी बेइज्जती पूरी क्लास के सामने होगी कि तेरे पिछवाड़े पे पेन घुसा है और सारी लड़कियां हंसेंगी तेरे पे। तो मैम को बताना मत, नहीं तो पूरी क्लास के सामने तेरी बेइज्जती होगी। फिर मैंने पूछा किसने की आवाज? अगर तुम लोगों ने अभी नहीं बताया तो मैं पूरी क्लास को पनिशमेंट दूंगी। तो मैं आखिरी बार पूछी, बताओ किसने की आवाज? मैम, एडम ने की आवाज। हाँ मैम, मैंने भी सुना, एडम ने की आवाज। हाँ मैम, हमेशा यही करते रहता है क्लास को डिस्टर्ब। तो ये तुमने किया? हाँ नहीं मैम, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या वो आवाज तुमने निकाली थी? हाँ मैम, पर कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। तुम स्टूडेंट हो या जानवर हो, तुम्हें क्लास में रहने की तमीज बिल्कुल नहीं है। रुको, अभी मैं सिखाती हूँ तुम्हें तमीज। ये लो। टीचर से मार है बेचारा। Everyone keep quiet and behave like student. और आज के बाद अगर तुमने ये हरकत फिर से की तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाओगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, समझ में आया? सिट डाउन। ओके ना? एडम देख, सब लोग खेल रहे हैं यार, चल ना हम भी खेलते हैं। नहीं यार, आज नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उस फोनों की वजह से। मैं तो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है शायद कल मैं स्कूल भी ना आ पाऊँ इस दर्द की वजह से। काश मेरे पास सुपर पावर होता तो इस क्रोनो के बच्चे को जरूर मजा चखाता। पर ये सुपर पावर तो सिर्फ मूवी और फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है यार। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक जिम में ज्वाइन करूँ और जिम में ऐसा बॉडी बनाऊंगा फिर ये क्रोनो के बच्चा कभी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। डीजे आलोक प्रेजेंट मैम। केली प्रेजेंट मैम। मैक्सिम प्रेजेंट मैम। क्रोनो प्रेजेंट मैम। एडम एब्सेंट मैम। ये एडम एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाता नहीं है, ऊपर से स्कूल भी रोज नहीं आता है। वो देखो नूबड़ा आ रहा है। लगता है इसके दोस्त के पिछवाड़े के दर्द के वजह से इसका दोस्त आज स्कूल ही नहीं आ पाया। अबे बेचारा आलोक कैसे अकेला खेलेगा? इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। सही बोला, इसका दोस्त ही नहीं है, बेचारा अकेला है। नूबड़ा कहीं का नूबड़ा। अरे क्रोनो, वो पत्थर उठा रहा है, लगता है वो हमें उस पत्थर से मारने वाला है। क्रोनो, वो पत्थर लेके तुम्हारे पास ही आ रहा है, तुम
तुम्हारे सर पे मार देगा वो। अरे उसकी औकात नहीं है मुझे मारने के लिए, लगता है वो तुम्हारा खोपड़ी फोड़ना चाहता है। वो डरता है मुझसे। क्रोनो वो तुम्हें मारने वाला है, वो नूबड़ा है, देखना वो नहीं मारेगा। देखा मैंने कहा था ना ये नूबड़ा है, ये नहीं मार पाएगा मुझे। डरपोक भट्टू, इसका कोई दोस्त ही नहीं है, इसका तो कोई खेलने के लिए भी दोस्त नहीं है। गुड मॉर्निंग मैडम। बच्चों ये तुम्हारे नया क्लासमेट है। बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज काल्पनिक। काल्पनिक ये कैसा नाम है? काल्पनिक तो मेरा कुत्ते का नाम है। हाँ मैम, दो दिन पहले क्रोनो ने कुत्ता खरीदा था और उसका भी नाम काल्पनिक ही है। Keep quiet. I said keep quiet. Finger on your lips. अरे बेटा तुम्हें नहीं बोला बेटा मैंने? नूब, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। नूब, ये तो नूब है। नूब जाओ बेटा वहाँ फर्स्ट बेंच में जाके बैठ जाओ। ओके नाउ सब अपनी नोटबुक निकालो। ऐसे होते रहता है, फिर पता नहीं समझ में नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। बहुत मजा आया। फिर मैम क्रोनो काल्पनिक को परेशान कर रहा है। नहीं मैम ये झूठ बोल रही है। नहीं मैम क्रोनो झूठ बोल रहा है। Keep quiet. I want pin drop silence. काल्पनिक अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बताना। ओके नाउ सब लोग अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 निकालो। काल्पनिक इधर आओ, मैं तुम्हें हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाऊंगा। हमें यहाँ खेलने में बहुत मजा आता है। वाओ ये तो काफी बड़ा प्लेग्राउंड है यार, मेरा पुराना स्कूल में तो इससे बहुत छोटा प्लेग्राउंड था। लगता है यहाँ खेलने में बहुत मजा आएगा। अरे सॉरी गलती से लग गया। नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके। इन लोगों ने आज अचानक काल्पनिक को सॉरी क्यों कहा? इन लोगों ने तो कभी मुझे आज तक सॉरी नहीं कहा। हाँ यार ये बात तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये लोग कभी किसी को सॉरी नहीं बोलते हैं। अरे अरे सॉरी यार, मेरे से भी गलती हो गया। I'm so sorry यार, सच में सॉरी यार, दिल से सॉरी। अच्छा ये जानबूझ के सॉरी बोल रहे हैं ताकि काल्पनिक को और ज्यादा परेशान कर सके। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ये लोग हमेशा कमजोर स्टूडेंट को परेशान करते हैं और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। देखो काल्पनिक मैं गलती करने से पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर देना। ये अभी फुटबॉल तुम्हें लगने वाला है तो इससे पहले मैं माफी मांग लेता हूँ, एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ यार, माफ कर देना। अरे सॉरी यार मेरे से भी गलती होगी, मैंने भी देखा नहीं। काल्पनिक अब तो तू गया बेटा, तो मार खाने के लिए रेडी हो जा। काल्पनिक तूने गलत गैंग से पंगा ले लिया, अब हम तुझे इतना मारेंगे कि तू अगली बार हमारे साथ पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा।
अरे क्रोनो उसे मत मारो, वो तो नया स्टूडेंट है। हाँ क्रोनो उसको मत मारो, उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तो मार खाने के लिए रेडी हो जा। यहाँ चल क्या रहा है? कुछ नहीं मैम, ये तो एक नया गेम है, इसको ऐसे ही पकड़ के खेलते हैं। पर ऐसा गेम तो मैंने कभी नहीं देखा मैम। ये नया गेम आया है, इसको ऐसे ही खेलते हैं। अच्छा चलो चलो, सब लोग क्लास में चलो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। मैम पर अभी तो क्लास का बेल भी नहीं बजा। मैंने कहा अभी चलो मेरे पीछे। काल्पनिक, आज तो तू बच गया, पर याद रख इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अरे काल्पनिक, तुमने उनसे पंगा क्यों लिया? उनसे पंगा मत लेना कभी, वो लोग बहुत खतरनाक है, सारे स्कूल के बच्चे उनसे डरते हैं। और तुम ये सोचना भी मत कि तुम ये बात टीचर को बोल दोगे, अगर ये बात टीचर तक गई तो सीधा प्रिंसिपल तक जाएगी, और अगर ये बात प्रिंसिपल तक गई तो सीधा तुम्हारे पेरेंट्स तक बात पहुंचेगी, और सीधा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, और अगर ये हुआ तो हमारी वाट लग जाएगी। हाँ काल्पनिक, आलोक बिल्कुल सही बोल रहा है, उनसे दोबारा पंगा मत लेना। वो तो शुक्र मनाओ कि टीचर आ गई, अगर टीचर वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं वो क्या करते हमारे साथ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मस्त ट्रिक है काल्पनिक का, इस ट्रिक को तो मैं भी यूज करूंगा, और फिर मेरी भी गर्लफ्रेंड बनेगी। एडम, अरे ओ एडम, क्या सोच रहा था इतनी गहराई से? कब से हम तुझे बुला रहे हैं तो सुन ही नहीं रहा, चल क्लास में चलते हैं, लेट हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ। अब मजा आएगा, बस एक कोई लड़की आ जाए फिर मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी। हाँ, वो आ रही है देखो। अरे वो तो मोको है। सुनो गाइस, मेरा बात ध्यान से सुनो। हाँ अभी से बात कर रहा हूँ, अभी तो मेरे वीडियो देख रहे हो ना। देखो अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना तो आप भी ये काल्पनिक का ट्रिक यूज कर लेना, ठीक है? और फिर तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड होगी, समझ में आया? अरे वो तो बहुत ही पास आ गई, अब मजा आएगा, रुको आने दो, और पास आने दो उसको। अगर मैं उसको मेरी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ ना तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? वो और पास आ रही है, पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, और फिर मैं उसे किस भी करूँगा। मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद उसे टकराऊंगा। 1, 2, 3। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता बेवकूफ। मुझे बचपन से ही स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सच कहूँ तो मैं स्कूल के शब्द से भी नफरत करता था, पर ये मेरे नए स्कूल में आने के बाद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि काश संडे को भी स्कूल होता, ताकि मैं संडे को भी स्कूल जा पाता। मेरे नए स्कूल जाने के बाद मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हुई जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद उस खुशी के कारण वो लड़की है जिसे मैंने पहली बार मेरे नए स्कूल में देखा था, और अब पता नहीं क्यों हर रात वो मेरे सपने में दिखती है। और जो आज मेरे साथ स्कूल में हुआ उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता, और उस पल के मुझे हर एक सेकंड याद है, जैसे कि वो मुझसे टकराई और वो नीचे गिरने लगी, और जैसे ही वो नीचे गिरने वाली थी और तभी मैंने उसे पकड़ लिया, और पहली बार मैंने उसे इतनी करीब से देखा। अरे वाह बेटे, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गए बेटे, ऐसे ही हर रोज सुबह सुबह उठा करो बेटे, लगता है तुम सुधर रहे हो। लगता है आज मम्मी कुछ ज्यादा ही खुश है, पर मम्मी को ये बात पता ही नहीं है कि आज मैं पूरी रात सोया ही नहीं। बच्चों कल मैंने होमवर्क दिया था, किस किस ने नहीं किया, खड़े हो जाओ। काल्पनिक मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो एक नए स्टूडेंट हो, तुम्हें तो और होमवर्क करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पर तुम तो बिल्कुल पुराने स्टूडेंट के जैसे हो गए हो। क्लास के बाहर जाओ अभी और नील डाउन करो। ओके नाउ सब बच्चे अपने होमवर्क निकालो और बेंच में रख दो। मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करके बताऊंगी कि किसने सही किया है और किसने गलत। आलोक चलो अपना होमवर्क दिखाओ। आलोक कहाँ है तुम्हारा होमवर्क?
मैम मैंने किया तो था होमवर्क, पर लगता है किसी ने मेरा होमवर्क वाला पेज फाड़ दिया है। मैम मेरा भी होमवर्क वाला पेज गायब है मैम। मैम क्रोनो ने ही फाड़ा होगा मैम। हाँ मैम मुझे भी लगता है क्रोनो ने ही फाड़ा होगा मैम। मैम ये झूठ बोल रहा है मैम, मैं भला इसका होमवर्क क्यों फाड़ूंगा। ये होमवर्क करके नहीं आया है इसलिए बहाना बना रहा है मैम, इसको पनिशमेंट दो मैम। तुम लोग टीचर को बेवकूफ समझते हो क्या? कभी शादी का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, और कभी कहते हो कि दादाजी टपक गए। जब तुम लोग होमवर्क करके नहीं आते हो तो तुम लोग बस ऐसे ही बहाना बनाते हो। कोई बहाना नहीं चलेगा, गेट आउट ऑफ द क्लास एंड नील डाउन। मैंने उसका होमवर्क फाड़ा और पनिशमेंट उसको मिला। बेचारा नूबड़ा है। मैंने सच में होमवर्क किया था और मैंने भी सच में होमवर्क किया था, पर मैम हमारी बातों का विश्वास ही नहीं करती। मैम बस क्रोनो की बातों का विश्वास करती है और क्रोनो का बात सुन के मैम हमें पनिशमेंट भी देती है। जहाँ हमने गलती नहीं किया था वहाँ भी हमें पनिशमेंट मिलता है, जबकि हमारे कोई गलती भी नहीं थी। क्रोनो क्लास का टॉपर है, वो क्लास में सबसे अच्छा मार्क लाता है, इसीलिए मैम को लगता है कि वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। पर मैम को क्या पता वो हमें कितना परेशान करता है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ओके नाउ, ओके नाउ। भाई बच्चों सब अपने बुक निकालो, बच्चों सब अपने बुक निकालो। यहाँ चल क्या रहा है? अगर कल तुम लोगों ने होमवर्क करके नहीं आया तो तुम लोगों को डबल पनिशमेंट मिलेगा, और ये बात सीधा प्रिंसिपल तक जाएगा, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स तक जाएगा, और फिर सीधा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, समझ में आया? और कल कोई होमवर्क ना करने का बहाना मत बना के आना। तीनों लोग एक ही बेंच में बैठते और तीनों का एक ही जैसा हरकत है। काल्पनिक काल्पनिक, ये देख तेरा नोटबुक, अब तू होमवर्क कैसे करेगा? कल तूने अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर तू पीटेगा टीचर के हाथों। अरे नहीं, वो तो मेरा नोटबुक है, इसके पास कैसे? रुक जा क्रोनो, ड्राइवर जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। क्रोनो रुक जा, काल्पनिक मुझे लगता है कि क्रोनो ने ये इसलिए किया ताकि वो बदला ले सके, वो फुटबॉल वाला बदला जो तूने उस पे मारा था ना वो फुटबॉल। हाँ काल्पनिक आलोक सही कह रहा है, वो बदला लेने के लिए किया उसने। क्या तुम्हें क्रोनो का घर पता है, वो कहाँ रहता है? हाँ मुझे पता है, पर उसका घर बहुत ही ज्यादा दूर है। काल्पनिक तू इसका टेंशन बिल्कुल मत ले, तू कल का होमवर्क करके ला एक पेपर में, और जब मैम पूछेगी कि तूने ये होमवर्क क्यों किया तो मैम को बता देना कि क्रोनो ने तेरा नोटबुक ले लिया था इसलिए तूने होमवर्क पेपर पे करके लाया है, और तब मैम तेरी बातों का विश्वास भी कर लेगी क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है कि होमवर्क हमने किया। हाँ काल्पनिक आलोक सही कह रहा है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। पर दरअसल वो बात नहीं है, एक्चुअली कल मैंने एक ड्राइंग बनाया था और मैं नहीं चाहता कि वो क्रोनो देख ले। पर ड्राइंग करना तो अच्छी बात है ना, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? क्रोनो देखेगा तो क्रोनो भी जलेगा और बोलेगा कि हाँ भाई कितना अच्छा पेंटिंग, कितना अच्छा ड्राइंग बनाता है काल्पनिक। एक्चुअली बात ऐसी है कि दरअसल मेरे साथ उस ड्राइंग में कैरोलिन भी थी। लड़की का चक्कर, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। बिल्कुल सही कहा, लड़की का चक्कर। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे यार बस भी करो यार, हमें बुक ढूंढना होगा। अगर वो ड्राइंग क्रोनो ने देख ली तो ये बात सीधा प्रिंसिपल तक पहुंचेगी और फिर सीधा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा यार। हाँ ठीक है जल्दी चलो, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, इससे हम जल्दी क्रोनो के घर पहुंच सकते हैं।
और जब क्रोनो खेलने जाएगा तो हम उसके घर पहुंचेंगे और जल्दी से बुक निकाल के वापस आ जाएंगे। पर काल्पनिक एक बात बताओ, तुम कैरोलिन से शादी कब कर रहे हो और भाभी से कब मिला रहे हो? नहीं यार, कैरोलिन तो सिर्फ दोस्त है, मेरी क्लासमेट है बस। पर हम भी तो तेरे दोस्त हैं, वो भी कैरोलिन से पहले, पर तूने कभी हमारी पेंटिंग नहीं बनाई यार। अरे यार अब बस भी करो यार, तुम्हें मजाक की पड़ी और मेरी फटी पड़ी है। अगर क्रोनो को वो ड्राइंग मिल गया तो क्या होगा? वो देखो क्रोनो का घर। मैं राइट वाला रूम में जाके ढूंढता हूँ बुक, और मैं ऊपर जाके ढूंढता हूँ बुक, और मैं लेफ्ट वाले रूम में जाके ढूंढता हूँ बुक, ठीक है? जल्दी बुक ढूंढते हैं और फिर निकलते हैं। अरे एडम, यहाँ क्या ढूंढ रहा है? ये तो क्रोनो का डैड का रूम है। क्या पता क्रोनो ने शायद यहाँ छुपाया हो बुक। गाइस यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बुक मिल गया, चलो चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी खुशी में कुछ खाते हैं। मेरे पास 5 रुपया है, चलो कुछ खाते हैं। हाँ, दुकान में जाके। हाँ चलो चलो चलते हैं। अरे काल्पनिक, अरे आलोक, काल्पनिक इधर आ, जल्दी जल्दी इधर आ। अरे मेरा 5 रुपए का सिक्का यहाँ गिर गया। अरे ऐसे थोड़ी ना निकलेगा, हट, मैं निकालता हूँ इसे, ऐसे खींचना होगा। अरे मेरा 5 रुपए। अरे यहाँ तो सीढ़ी लगी हुई है, लगता है कोई खुफिया रास्ता होगा, हो सकता नीचे कोई खजाना मिले। मैंने सुना है क्रोनो का डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो कोल्ड ड्रिंक की बिजनेस करते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और शायद वो पैसे यहाँ रखते हो खुफिया जगह में। चलो एक बार नीचे जाके देख के आते हैं आखिर है क्या वहाँ। अरे आलोक नहीं यार, क्रोनो कभी भी आता ही होगा, घर चलते हैं यार। नहीं मैं तो नीचे जा रहा हूँ, अगर तुम लोग आना चाहते हो तो आ जाओ। अरे ये रूम तो काफी ठंडा है और कितना अंधेरा भी है भाई। धत तेरे की, इस ये तो रूम पूरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कोई खजाना वजाना मिलेगा। ओ भाई वो देखो कितना बड़ा टीवी, इतना बड़ा टीवी तो मैंने कभी लाइफ में भी नहीं देखा। मुझे लगता है क्रोनो का डैड यहाँ आके मस्त मूवी देखता होगा, अपने खुद का कंपनी का कोल्ड ड्रिंक पी के मस्त मूवी एंजॉय करता होगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक पीने का ग्लास कितना अजीब दिखता है। अरे काल्पनिक तुझे नहीं पता, अमीर लोगों का ग्लास ऐसा ही होता है, बहुत महंगा महंगा ग्लास होता है ये, समझ में आया? अब ये मैं महंगा कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। अरे वो मत पी यार, वो ढका हुआ नहीं है यार। हाँ मेरी मम्मी भी कहती है कोई ढका हुआ चीज ना हो ना तो नहीं पीना चाहिए, इसमें बहुत सारा कीटाणु भी आ सकते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, कितना मस्त है यार ये अमीरों का कोल्ड ड्रिंक, कितना मस्त है। सच्ची सच्ची मैं भी उनका कोल्ड ड्रिंक। अरे सही कहा एडम, ये तो बहुत मस्त है यार कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कोल्ड ड्रिंक तो मैंने कभी नहीं पिया। हाँ सच में बहुत मजा आया पी के। अरे लगता है वो क्रोनो की कार की आवाज है, लगता है क्रोनो आ गया। हाँ तू जल्दी चल भाई, करके आ रहा, जल्दी चलो जल्दी चलो। एडम जल्दी चढ़ सीढ़ी पे, क्या कर रहा है तू? एडम जल्दी चढ़। अरे मैं चढ़ तो रहा हूँ ना, मुझे ऊंचाइयों से डर भी लगता है यार। अरे इतना टाइम नहीं है, क्रोनो आ जाएगा, जल्दी कर। जल्दी कर भाई जल्दी कर, अगर क्रोनो ने देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी पूरी स्कूल में, और वो सबको बोल देगा इस बारे में स्कूल में। काल्पनिक जल्दी आ यार, तू कर क्या रहा है वहाँ? हाँ आ रहा हूँ मैं, जल्दी आ रहा हूँ। काल्पनिक जल्दी करो, क्रोनो बहुत पास आ गया है हमारे। अरे भागो भागो भागो, और तेज भागो भागो। अच्छा वो हम पीछे के रास्ता से भाग गए, नहीं तो हमारी वाट लग जाती थी। हाँ सही कहा तुमने। हेलो काल्पनिक, अरे जल्दी हमारे अड्डे पे आ, 10 मिनट में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जल्दी आ। हाँ ठीक है मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हेलो काल्पनिक, मैं हमारे अड्डे में मिल, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ ठीक है मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और मुझे भी तुझे एक बात बतानी है।
मैं सुपर हीरो हूँ। कब से? बचपन से है सुपर पावर। अच्छा तो ये बात है गाइस, इसका मतलब हम सबको कल सुपर पावर मिला है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब हम सब सुपर हीरो है ना? अरे नहीं यार, इसका मतलब वो जो क्रोनो का डैड है वो शायद कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होगा, और शायद फिर वो कोई केमिकल वेमिकल बनाया होगा वो सुपर पावर वाला। पर तुझे कैसे पता कि क्रोनो का डैड साइंटिस्ट है और उसने वो सुपर पावर बनाया और कोई कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया? ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो बचपन से सुपर हीरो हूँ। चला फेंकना बंद कर यार, मैंने बहुत सारे मूवी और फिल्मों में देखा है यार, ऐसा कुछ केमिकल वाला चीज होता है और बॉडी में जैसे डालते हैं हम, वो सुपर हीरो बन जाता है। कुछ बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है और सीधा सुपर हीरो बन जाते हैं यार। अरे ये बोरिंग बात सब छोड़ो यार, ये देखो मेरा पावर, मैं दिखाता हूँ अभी मेरा पावर। देखा है ना मजेदार? अरे वो कार का मालिक आ गया। अरे मारो कार। अरे भाग भाग। अरे भागो भागो कार मारो देख। अरे भागो भागो। अरे भागो मारो कार तोड़ दियो रे बाबा। मारो कार और तेज भाग, और तेज भाग, सब लोग तेज भागो जल्दी। अरे वाह ये तो सच में मस्त पावर है यार, मतलब तू कुछ भी उठा सकता है ऐसे। वाह भाई। अरे ये तो बहुत ही मस्त पावर है यार, मजा आ गया यार, तूने क्या मस्त कार को उठा दिया है। पर आलोक एक बात बता, तुझे ये पता कैसे चला कि तेरे पास सुपर पावर है? काल्पनिक तुझे तो पता है ना क्रोनो हमें कितना परेशान करता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करता हूँ मैं, और फिर मैं ऐसा बॉडी बनाऊंगा कि उसको मजा चखा सकूँ। इसीलिए मैं नया जिम में ज्वाइन हो गया, और जैसे पहला दिन मैंने जिम करने गया और मैंने बॉडी बनाने के लिए डंबल उठाना चालू किया, और जैसे मैं डंबल उठा रहा था अचानक एक बंदा आके मुझे घूरने लगा, और फिर देखते देखते बहुत सारे बंदे आ गए, और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो डंबल बहुत भारी है, उसको उठाने के लिए कम से कम 2-3 बंदे की जरूरत पड़ता है, वो इतना भारी है वो। और तब मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे पास सुपर पावर है। अच्छा तो तुझे ऐसे पता चला कि तेरे पास सुपर पावर है? पर ये सुपर पावर तो मेरे पास है ही नहीं। पर मेरे पास तो दूसरा सुपर पावर है। दूसरा सुपर पावर? पर हमने तो एक ही कोल्ड ड्रिंक पिया था ना। हाँ पर पता नहीं कैसे मुझे कुछ दूसरा ही सुपर पावर मिला, मैं तो उड़ सकता हूँ। अरे वाह चल दिखा दिखा तेरा सुपर पावर कैसा है। हाँ दिखा दिखा। अरे अभी नहीं यार, मैं कभी बाद में दिखाऊंगा तुम्हें मेरा सुपर पावर। काल्पनिक लगता है इसके पास सुपर पावर है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अगर इसके पास होता तो अब तक दिखा भी देता था। नहीं सच में मेरे पास सुपर पावर है। हाँ सही कहा आलोक, अगर सुपर पावर है तो दिखाओ ना। नहीं यार अभी नहीं, प्लीज ना अभी नहीं। देखा काल्पनिक, मैंने कहा था ना इसके पास कोई सुपर पावर उपर पावर नहीं है, झूठ बोलता है हमेशा। ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखा मेरा सुपर पावर क्यों है ना मजेदार। अभी रुको अभी और दिखाता हूँ मैं। तेरे पास तो मस्त सुपर पावर है यार, तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा सुपर पावर मिला यार तुझे। वाह यार ये तो कितना मजेदार है, तुम उड़ भी सकते हो। हाँ यार सही कहा, कितना मस्त पावर है ये सच में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बू कहाँ से आ रही है? ये तो कितना गंदा बदबू आ रही है यार, पता नहीं कहाँ से आ रही है। एडम देखना यहाँ आसपास कोई गटर वटर तो नहीं है ना, इतना बदबू कहाँ से आ रहा है? इतनी घटिया बदबू यार, हद है। इतना गंदा बदबू तो कहीं पब्लिक टॉयलेट में भी नहीं आता यार, ये तो बहुत गंदा बदबू है यार। एडम तुझे ये गंदी बदबू नहीं आ रही क्या? देख कितनी गंदी स्मेल है इसकी। गाइस वो एक्चुअली ये बदबू मेरे से ही आ रही है यार, आई एम सॉरी यार। क्या मतलब तेरे से आ रही है? वो एक्चुअली बात ऐसी है कि आज सुबह जैसे ही मैं उठा मुझे जोर से नंबर 2 आई, फिर मैं जाके टॉयलेट में बैठ गया, बहुत कोशिश किया पर कुछ हो ही नहीं रहा था, फिर वहाँ पे 10 मिनट मैंने बैठा फिर कुछ भी नहीं हो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट पूरा फट रहा हो, तो मैंने जोर से ताकत लगाई करके
और फिर इसके बाद इतना प्रेशर से मैं ऊपर गया कि मेरी टॉयलेट की छत भी फट गई और मैं ऊपर जाके सीधा बाहर कहीं जाके गिर गया। तब मुझे समझ में आया कि जब मैं पाटता हूँ तब जो पाटने का प्रेशर होता है वो नीचे जमीन पे जाता है और मैं सीधा रॉकेट की तरह ऊपर उठ जाता हूँ। पानी का सुपर पावर। ये कैसा पावर है भाई? काल्पनिक, ये भी कोई पावर होता है? पानी और भी पानी के बाद तुम उड़ जाते हो। मुझे पता था तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे ये सुन के, इसलिए तुम्हें मैं मेरा पावर दिखाना नहीं चाह रहा था। मुझे लगा कोई उड़ने का पावर मस्त वाला मिलेगा, मस्त उड़ोगे। नहीं, तुम पाते हो और फिर तुम उड़ते हो। ओ भाई, ये तो बहुत फनी वाला सुपर पावर है बे। अरे ये बच भी कर लो यार। काल्पनिक, तेरा पावर क्या है? दिखा तेरा पावर। ठीक है मैं दिखाता हूँ मेरा पावर, पर तुम बताना कि मेरा पावर कौन सा है। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम दोनों में से पहले कौन बता पाता है कि मेरा पावर कौन सा है। रुको, अभी दिखाता हूँ। अरे अरे, ये कहाँ गया काल्पनिक? अरे आलोक, ये तो तेरे पीछे पीछे देख। मुझे पता चल गया ये सुपर पावर कौन सा है। ये वो गायब होने वाला पावर है। तुम गायब हो के तुम यहाँ आ गए। अरे नहीं यार, ये वो पावर नहीं है। और एक बार देखो, ठीक है। अरे अभी काल्पनिक कहाँ गया? अरे तेरे पीछे है रे एडम, देख पीछे। अरे मुझे पता चल गया, ये पावर वो टेलीपोर्टेशन वाला पावर है। मतलब तुम शायद अपने दिमाग में एक जगह सोचते हो और फिर वो जगह पहुंच जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह। अरे नहीं यार, तुम लोग अच्छे से नहीं देख रहे हो यार। अच्छे से देखो, आँख खोल के देखो इस बार। ठीक है, ये देखो। अरे ये तो स्पीड वाला पावर है। हाँ, ये पावर तो बहुत मस्त है, इससे तुम बहुत तेज भाग सकते हो। अरे काल्पनिक, तेरा पावर तो बहुत ही मस्त है यार। हाँ एडम, पर तेरा पावर भी बहुत ही मस्त है यार। मतलब तुम पाद के उड़ जाता है यार। तुम पाद के सीधा ऊपर उड़ जाता है आसमान की ऊंचाई में। पादो और सीधा उड़ जाओ। अरे नहीं यार, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। अरे अब बस भी करो यार, पादने का सुपर पावर। मैं इस सुपर पावर वाले केमिकल को बेच के दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने वाला था, पर इन तीन बच्चों ने मेरी जिंदगी की 30 साल की मेहनत इन लोगों ने पानी में मिला दी, और इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बस अमीर बनने ही वाला था। अगर ये केमिकल मैंने फिर से बनाना चालू किया तो मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगा, और तब भी मैं ये केमिकल नहीं बना सकता क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर अगर उन तीनों की मुझे ब्लड सैंपल और डीएनए सैंपल मिल जाता है तो मैं इस केमिकल को फिर से 24 घंटे में बना सकता हूँ। तो जल्दी से जाओ और उन तीनों को ढूंढो। ढूंढने के बाद उनसे सैंपल लो और उन्हें खत्म कर दो, और उन तीनों का फोटो तुम्हारे फोन में भेज दिया जाएगा। तो देख क्या रहे हो मेरा मुंह, जाओ और ढूंढो उन तीनों को। पर बॉस, अगर आप ये सुपर पावर बेचोगे तो बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाएंगे और बहुत सारे लोगों की जानें भी जा सकती है। मुझे लोगों के जान जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो पैसों से, और मुझे वो लोग भी पसंद नहीं जो मेरे काम के बीच में आते हैं। मम्मी, आज मेरा लगता है पेट खराब हो गया है, जरा पेट खराब वाला टैबलेट देना। तो जल्दी निकालो, मुझे लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए। अरे काल्पनिक, ये ट्रम्पेट क्यों निकाला? म्यूजिक क्लास में निकालना, अभी नहीं, अगर मैम ने देख लिया तो डांटेगी। हाँ काल्पनिक, आलोक सही कह रहा है, रख दे। तुम लोग देखो बस, अब मैं क्या करता हूँ। क्रोनो, इसे तुम अभी क्यों बजा रहे हो? इसे म्यूजिक क्लास में बजाना। अरे ये कहाँ से आया? इसे बेंच में रख दो नीचे। क्रोनो, मैंने तुमसे कहा था बेंच के नीचे रखने, और तुमने बजाया क्यों? खड़े हो जाओ। मैम सच में मैंने ये नहीं बजाया। अच्छा तो तुम अब टीचर से झूठ भी बोलने लगे हो? हाँ
मुझे लगता था तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, पर तुम भी इनकी तरह निकले। आज तो मजा ही आ गया, तुमने तो कमाल कर दिया कार्तिक, तुमने क्रोनो के बच्चे को मजा चखाया, वो हमें बहुत परेशान करता था यार। हाँ सच में यार काल्पनिक, तुमने तो आज कमाल कर दिया, मजा ही आ गया। और अब शायद टीचर भरोसा भी नहीं करेंगे इसके ऊपर। तूने तो मजा दिया भाई, उसको तो थप्पड़ पड़े। मजा आ गया। तुम लोग सब के सब अब मरोगे। देखो गोली गोली मत चलाना, ठीक है? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मैंने कहा कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो मेरा बंदूक और तुम्हारा हेडशॉट, समझ में आया? देखो देखो हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, अगर होता तो हम आपको दे देते थे सब रुपये। लगता है आप लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है। हाँ लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब बताओ तुम तीनों में से पहला कौन मरेगा? एडम और आलोक तुम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने चलोगे? अरे यहाँ पे हमारी जान खतरे में और तुम्हें कोल्ड ड्रिंक की पड़ी हुई है यार। अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हो तुम काल्पनिक? हाँ मैं समझ गया। अच्छा वो महंगी वाली कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हो, अब तो मैं भी समझ गया, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। क्या कोल्ड ड्रिंक लगा रखा है? तुम तीनों में से पहले कौन मरेगा ये बताओ। लगता है अब हमें मारने वाले, पर मरने से पहले मेरी एक आग रिक्वेस्ट है, क्या मैं इस कार को एक बार छू सकता हूँ, बस एक ही बार? मैंने जिंदगी में ऐसी कार कभी पहले नहीं देखा। नहीं तुम्हारी औकात नहीं है मेरी कार को हाथ लगाने की, वो 1 करोड़ की कार है, समझ में आया? धत तेरी की। अरे नहीं शिट यार, अरे हमारा प्लान तो फेल हो गया। चलो ठीक है, तुम लोगों ने मेरी कार की इतनी तारीफ करी तो एक बार छू लो, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। अरे वाह ये तो कितना मस्त कार है यार। ये कार बहुत महंगा है, मैंने 1 करोड़ में खरीदा था ये कार। काश मैं ऐसी कार को खरीद पाता यार। तुम ऐसी कार कभी जिंदगी में खरीद नहीं सकते हो क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। अरे ओ चाचा इतनी भी जल्दी क्या है, क्या मैं आपका कार उधार ले सकता हूँ? क्या मतलब, अभी बताता हूँ। अरे ये क्या बला है, इससे तो मेरी कार उठा ली है। अरे नहीं मेरी महंगा कार। अरे देख क्या रहे हो, गोली मारो, इससे मेरी महंगी कार में गोली लग सकती है, पर मैं तो गोली मार सकता हूँ। अरे नहीं मेरी महंगा कार। एडम कोल्ड ड्रिंक पियो और जल्दी मिलते हैं हमारे अड्डे में। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। अरे अब ये कहाँ गया, आखिर ये गया कहाँ? अरे मैं मेरे सुपर पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत हुआ, अब इसको भागने मत दो, इसका खेल अभी खत्म करते हैं। बॉस एक बंदा मेरे बंदूक के निशाने पे है, आप कहो तो गोली चला दूं? पहले उसका ब्लड सैंपल ले लो और DNA भी, उसके बाद उसको हेडशॉट से उड़ा दो और बाकी वो दोनों को भी ढूंढो और दोनों को खत्म कर दो, कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए, समझ में आया? बेटा अब तो तू गया। मैं और जोर से कोशिश करता हूँ। अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, मेरा पेट खराब था इसलिए मैं सुपर पावर भी यूज नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूं? अब तो ये मुझे मार देगा। ये इतना घटिया बदबू आ कहां से रहा है? ये तो काफी घटिया बदबू है, ये तो गटर से भी गंदा बदबू आ रहा है। चलो इसको मारते हैं और जल्दी निकलते हैं इस घटिया बदबूदार जगह से। 3 गिनने पे तू खत्म। अरे नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मारना मत। 1 नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारो। 2 प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। 3 एडम का पेट खराब था इसलिए वो अपना सुपर पावर यूज नहीं कर पाया, तो क्या विलेन अब एडम को मार देगा या फिर ऐसा एक खतरनाक चीज होगा जिससे कि एडम बच जाएगा? और अभी तो सिर्फ मूवी स्टार्ट हुई है, अभी तो सिर्फ डीजे आलोक को सुपर पावर मिला है,
अभी तो फाइटिंग सीन बाकी है जो कि सुपर पावर वाला फाइट होना है और बहुत सारा चीजें और ये सब आपको ये वीडियो के पार्ट टू में देखने मिलेगा। और पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो में 50,000 लाइक कर दो। जैसे ही आप 50,000 लाइक करोगे मैं तुरंत पार्ट टू अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। अरे हाँ, काल्पनिक सही कह रहा है, जल्दी से लाइक कर दो। और आप सब लोग लाइक कर देना, तभी 50,000 लाइक कंप्लीट होगा, क्योंकि पार्ट टू में मैंने इतना सुपर पावर दिखाया है कि आपको मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो से भी ज्यादा बढ़िया और खतरनाक वाली वीडियो देखनी है ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जैसे कि ये लव स्टोरी। और ऐसे वीडियो बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे है, और ऐसे वीडियो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट्स में दे दिया है, तो कमेंट्स में जाओ और जाके ये सारे वीडियो देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। We'll be right back.